Now, next part is nothing but a drug used in the treatment of HIV. So, what is AIDS? We have seen in the detail. ठीक है, एकदम डिटेल में देखा है हमने, फिर भी जस्ट सिंपल. सो एड्स इज नथिंग बट द एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. इन्फेक्शन टू द ह्यूमन इम्यूनो इन्फेक्शन दैट इज इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एच आई वी. देर आर टू टाइप्स, एच आई वी वन एंड एच आई वी टू. टू टाइप्स होते हैं इसके, एच आई वी वन एंड. सो टू थ्री क्लासेस ऑफ ड्रग्स आर देयर, नॉट ओनली टू. जैसे बोला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, उसमें दो क्लास आता है. प्रोटीएज इनहिबिटर्स आता है, इंटीग्रेस इनहिबिटर्स आता है, बहुत सारे चार पांच क्लास है उसकी. ठीक है, आपने देखा है वो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एच ए ए आर टी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी. तो इसमें क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ रेजिमेन. इसमें कॉम्बिनेशन होता है कि एक कंटेनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग्स. ठीक है, वन फ्रॉम नॉन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर कैटेगरी एंड वन फॉर्म आइदर नॉन न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, तो ये हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एक रेजिमेन होता है ताकि रेजिस्टेंस ना डेवलप हो पेशेंट में. ये क्या होता है कि इसमें एक ड्रग होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उस कैटेगरी का एक ड्रग रहेगा. एंड एक ड्रग रहेगा नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या फिर प्रोटीज इनहिबिटर, इन दोनों में से एक, एनआरटी में से एक. ओके, एनआरटी में से एक ड्रग, एनएनआरटी में से एक ड्रग और प्रोटीज इनहिबिटर में से एक ड्रग. तो ये थोड़ा सा थेरेपी होता है उसका. एच ए ए आर टी रेजिमेंट सप्रेसेस द एच आई वी रेप्लिकेशन, आरएनए लेवल्स, ओके, डिक्रीजेस द आरएनए लेवल्स एंड इंक्रीजेस द पेशेंट सर्वाइवल. रेजिस्टेंट टू दिस ड्रग कैन डेवलप एंड इट इज बिकॉज ऑफ द हाई म्यूटेशन रेट. नाउ ड्रग्स, फर्स्ट कैटेगरी इज नथिंग बट द न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड, साइड मतलब क्या, साइड मतलब दो साइड होते हैं ना, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड. तो न्यूक्लियोसाइड में क्या रहेगा, दो पार्ट रहेगा, कौन सा, तो नाइट्रोजनस बेस और आपका रहेगा नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर. ओके, सो न्यूक्लियोसाइड में साइड इज साइड्स आर टू. तो यहाँ पे याद कैसे रखना है, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में साइड मतलब दो होते हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड. साइड में दो आता है, न्यूक्लियोसाइड में आता है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटो शुगर. न्यूक्लियोटाइड में आता है टाइड फॉर थ्री, टी फॉर थ्री. ठीक है, तो उसमें थ्री रहेगा, नाइट्रोजनस बेस देन शुगर प्लस फॉस्फेट. क्वेश्चन आ चुका है. नाउ नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. तो उसमें फर्स्ट ड्रग आता है आपका ज़िरोबुडिन. सो फर्स्ट ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन इज ज़िरोबुडिन. ज़िरोबुडिन उसका मैकेनिज्म क्या है, देखो, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स सभी ड्रग जिसमें ज़िरोबुडिन, लैमिवुडिन, सोवावुडिन, प्रोवावुडिन जितने भी आते सब. सो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर दे आर कन्वर्टेड इनटू देयर करस्पॉन्डिंग ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव. सो व्हेन दे विल गेट एंट्री इनटू बॉडी, दे विल गेट एंट्री इनटू इन्फेक्टेड सेल्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव व्हिच हैज अ हाई एफिनिटी फॉर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. तो ये जो ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव है उसके न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ज़िरोबुडिन, ज़िरोबुडिन विल बी कन्वर्टेड इनटू बॉडी ज़िरोबुडिन ट्राइफॉस्फेट. ज़िरोबुडिन ट्राइफॉस्फेट विल इनहिबिट द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. सो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कौन करेगा, करस्पॉन्डिंग ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव. इट इज अ वेरी स्पेसिफिक टू एचआईवी एंड एक्वायर्ड डी, ओके, acquired DNA synthesis, required for DNA synthesis. So, these drugs, okay, nucleoside reverse transcriptase inhibitor, they are converted into their triphosphate derivative, which selectively inhibit the reverse transcriptase enzyme of HIV, okay, which is required for the DNA synthesis. So, nucleotide reverse transcriptase analog, they competitively inhibit the reverse transcriptase enzyme, terminate the DNA elongation. तो ये क्या बेसिकली क्या करते हैं, ये जो ड्रग है वो जैसे होता है कि वायरस का एंटी होने के बाद में आरएनए रिलीज होगा, आरएनए से बनेगा डीएनए बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो ये सभी ड्रग उसको इनहिबिट करते हैं. सो दे गेट एंट्री इनटू द इन्फेक्टेड सेल एंड कन्वर्टेड इनटू देयर करस्पॉन्डिंग ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव एंड दैट ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव हैज अ हाई एफिनिटी टुवर्ड्स द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसको वो बाइंड करेंगे एंड इनहिबिट करेंगे. ओके, सो दे प्रिवेंट द
फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द आरएनए. उसमें पहला ड्रग आता है जिडोवुडिन, जिडोवुडिन, ओके, जिडोवुडिन. इट इज आल्सो डेजिग्नेटेड एज एजेटी, एजेड, जिडोवुडिन और एजेटी, और इट इज आल्सो नोन एज एजिडोथायमिडिन, एजिडोथायमिडिन, एजिडोथायमिडिन. इसमें क्या होगा, थायमिडिन. इट इज अ थायमिडिन एनालॉग एक्टिव अगेंस्ट द एचआईवी, ओके, एंड अदर रेसेस. अदर ड्रग लाइक बाकी इसमें कौन से ड्रग आते हैं, डाई एडिनोसिन, देन जलसिटाबिन, स्टुवुडिन, लैमिवुडिन, अबिकाबिन. दे आर आल्सो अल्टरनेटिव टू द पेशेंट व्हिच आर इनटॉलरेंट और व्हिच आर रेजिस्टेंट टू जिडोवुडिन. तो इसमें बाकी भी ड्रग आते हैं, ठीक है, इसमें जिडोवुडिन एक ही नहीं, बहुत सारे ड्रग है. वी हैव सीन इन द वेरी लास्ट प्रीवियस सेशन, जो कल का सेशन था उसमें देखा है अपने कैटेगरी के ड्रग्स. तो यहाँ पे मैकेनिज्म याद रखो, ये ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव बनेगा इन ड्रग का, एंड दैट यू नीड द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. थायमिडिन एनालॉग कौन है, जिडोवुडिन थायमिडिन एनालॉग है. तो उसमें और भी ड्रग आता है, डाई एडिनोसिन, जेलसिटाबिन, स्टुवुडिन, लैमिवुडिन, अबाकाविर. दे आर यूज एज अ अल्टरनेटिव टू द पेशेंट विच आर इनटॉलरेंट टू द जिडोवुडिन, एंड इफ जिडोवुडिन इज नॉट इफेक्टिव देन दे आर यूज. एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके, दो तीन है इफेक्टिव इंपॉर्टेंट. बोन मैरो सप्रेशन द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिडोवुडिन, नोशिया, देन माइल्जिया, माइल्जिया मतलब मसल पेन, फटीग, इंसोमनिया, अमनेशिया. फटीग, इंसोमनिया, ट्रीटेड विद इंसोमनिया, अमनेशिया, ओके, एनीमिया, सॉरी, इंसोमनिया, फटीग, एनीमिया. तो एनीमिया ट्रीटेड विद द इरिथ्रोपोयटिन, एनीमिया अगर हो गया तो इरिथ्रोपोयटिन देना है. न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया, देन हाई डोज ऑफ दिस जिडोवुडिन कैन कॉज मायोपैथी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी. यूजेस क्या है, यूजेस, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ एड्स. एचआईवी में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है, क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस इन द एड्स. इट इंक्रीजेस द सर्वाइवल एंड डिसीज प्रोग्रेशन इन द पेशेंट, ओके, फ्रॉम द एंड प्रिवेंट फ्रॉम द सेकेंडरी इन्फेक्शन. ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करके फर्दर स्टेप्स होने नहीं देता. तो वायरल लोड क्या होता है, डिक्रीज होता है बॉडी का, और उसमें क्या होता है, डिसीज का प्रोग्रेस जो है वो डिक्रीज होता है. एंड डिसीज का प्रोग्रेशन डिक्रीज होने के कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होने वाले है वो नहीं होते. इट कैन बी यूज इन द प्रेगनेंसी ऑल्सो, ये प्रेगनेंट वन में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट याद रखो इसका, माइलो सप्रेशन, देन बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, एनीमिया, इंसोमनिया, फटीग, न्यूट्रोपेनिया, न्यूरोटॉक्सिटी एंड मायोपैथी लार्जर डोज में. नेक्स्ट ड्रग इज नथिंग बट द नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. तो आप बोलेंगे सर आपने सिर्फ एक ही ड्रग का मैकेनिज्म बोला है, उसमें तो बहुत सारे ड्रग है, सभी ड्रग का मैकेनिज्म सेम ही है. उसमें उस कैटेगरी में जितने भी ड्रग्स आते हैं, लैमिवुडिन, जिडोवुडिन, स्टावुडिन, सोवुडिन, और उसके बाद में अबाकावीर, तो सब में उसका सेम मैकेनिज्म एक्चुअली. नेक्स्ट इज अ नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. तो इसमें कौन से ड्रग आते हैं, यहाँ पे देखो ड्रग नेवीरापिन, डेलावेरिडिन, इपावेरिन्स, दीज आर द सिंथेटिक एंटीवायरल ड्रग. तो ये क्या करते हैं, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर. तो दे आल्सो बाइंड टू ए एंजाइम डायरेक्टली. नाउ रिवर्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, NRTIs. So they get converted into triphosphate derivative. This non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they will not convert into triphosphate derivative. They directly bind to the enzyme. They are not converted into their triphosphate derivative, and they brings about the changes in the enzyme. They inactivate the enzyme. So non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors are only effective against the HIV type 1 virus, not against the type. Question aata hai isko. So nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they convert corresponding triphosphate derivative and inhibit the reverse transcriptase. Now non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor, they will not get converted into triphosphate derivative. They, as such, they have affinity for the reverse transcriptase enzyme, and they will bring about the changes in the enzyme, and hence they will inhibit it. So they are only effective in the HIV type 1, not type 2. Adverse reaction kya hai iske bhai? Skin rash, pruritus, Stevenson-Johnson syndrome, epidermal necrosis, headache, drowsiness, nightmares, then nausea, vomiting, diarrhea. ये तीनों common है, nausea, vomiting, diarrhea.
Now, if a variance is a teratogenic drug and contraindicated in the pregnant woman, if a variance kya hai, teratogenic hai, contraindication hai usko woman se. Nevirapine is a occasionally can cause fulminant hepatotoxic. Okay, तो ये जो है कौन सा nevirapine जो है that can cause fulminant hepatitis. Now tell me one question. ये question पूछता हूँ आपको. Tell me the another drug which causes the fulminant hepatotoxicity. ये जो है यहाँ पे जो underline किया है मैंने. So tell me the example of another drug that can cause fulminant hepatitis. Anybody? आप GPAT का preparation कर रहे हो ना? आपको ऑलरेडी बोला है मैंने ये. आपको आपने वीडियो देखे होंगे प्रीवियस के, नहीं तो जाके चेक कर लो. व्हेन वी वाज डिस्कसिंग अबाउट द एनएसएआईडीज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, पर्टिकुलरली उसमें एक जो होता है निमोसुलाइड, निमेसुलाइड. एट द टाइम आई हैव टोल्ड यू दिस निमोसुलाइड वाज बैंड ड्यू टू वन एडवर्स इफेक्ट दैट इज नथिंग बट द प्रोमिनेंट हेपेटोटॉक्सिसिटी. सो रिमेंबर, इपावेरियंस इज टेराटोजेनिक इन नेचर, कॉन्ट्रैक्टेड contraindicated in the pregnant woman. Nevirapine is nothing but the, it can cause fulminant hepatitis. Both are used, okay? So they are used in the HIV infection with the combination with another drug. Protease inhibitor. Next category is the protease inhibitors. अपन ने क्या देखा है अभी? Reverse transcript, okay? Nucleotide reverse transcriptase inhibitor. Then non-nucleotide reverse transcriptase inhibitors. And next is the protease inhibitor. Okay? Saquinavir is the first drug. Saquinavir is the first drug of this category. Mechanism kya hai? Protease enzyme ko inhibit karte hai. So kya kaam hai protease ka? Protease enzyme activation is important for the viral enzyme. Okay, viral enzyme kitne hote hai? Reverse transcriptase, protease and integrase. So activation. Now protease enzyme itself is required for the viral activation of viral enzyme. So protease enzyme lagta hai kiske liye? Activation of viral enzymes like reverse transcriptase, integrase and other proteins also. HIV replication. Okay, structural proteins. Okay, production. Structural proteins are synthesized in the. तो जैसा होता है कि replication होता है. RNA का DNA बनता है, DNA का mRNA बनता है, mRNA का protein बनता है. Protein बनने के लिए जो protein primary बनता है वो inactive होता है. वो बहुत lengthy होता है. उसको trim करना पड़ता है. So that trimming, activation of proteins, activation of enzymes, activation of other enzymes is done by protease enzyme of virus. And again it is very important for the activation of proteins. So initially large inactive proteins are the synthesized in the infected cell, which are then broken down into various functional active proteins. Okay, now protease inhibitors, what will they do? They binds competitively with the HIV protease and blocks the viral maturation. This leads to production of immature and non-infectious viral particle. Mechanism समझ में आया क्या? Quickly. Now ADME, absorption, distribution, metabolism, elimination. They are well absorbed orally except saquinavir. Saquinavir is not orally absorbed very well. So except saquinavir, all other drug virus, जैसे बहुत tenofovir होता है इसमें. Okay, lopinavir होता है, indinavir होता है, बहुत सारे drug होते हैं. So they are absorbed orally except saquinavir, metabolized in the liver. They are microsomal enzyme inhibitors. ये microsomal enzyme inhibitors है, तो बाकी drug के साथ में इसका drug-drug interaction होता है, metabolism interaction. Uses क्या है उसके? In the treatment of HIV along with the other drugs. So ritonavir is a microsomal enzyme inhibitor. It can prolong the half-life of other protease inhibitors. Other कौन से हैं देखो? Azata, okay, atazamavir, indinavir, nelipinavir, then saquinavir, ritonavir, lopinavir, and doronavir. These are the drugs. Protease inhibitors are not used in the. Are not used as a monotherapy. मतलब ये single drug देना नहीं है चाहिए. They are used in the combination. They are not used as a single drug or monotherapy. Other drugs में आता है आपका other drugs में आता है enfuviratide. It is a new drug used in the treatment of AIDS. It prevents the binding of virus to a host cell membrane by binding to a glycoprotein GP40. तो जो है ना glycoprotein GP120 है उसको bind करता है और it will prevent the binding of virus to the host cell.
Okay, it will block the entry of virus in the cell. It is add-on drug. ये क्या है? Add-on drug है. Add-on drug for the treatment of HIV patient not responding to other drugs. तो जो add-on drug है, मतलब ये additional drug है, जो बाकी drug को अगर patient respond नहीं कर रहा है, तो वो ये देता है. Enfuvirate. Now integrase inhibitor. Next class is integrase inhibitor. ये क्या करेंगे? They will prevent the integration of viral DNA, human DNA. That's it. So HIV integrase enzyme is already present in the virus along with the genomic RNA of virus which enter. Okay, जैसे RNA जो enter virus enter होता है host cell में, so which enters in the host cell after infection. So after HIV pro viral DNA transcript, जो RNA है virus का वो DNA बन जाएगा in the cytoplasm of host cell. This enzyme cause translocation of pro viral DNA into from cytosol to nucleus. तो जो DNA बनता है वायरस का, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है वो mRNA, जो वायरस का जो RNA है उसका DNA बनता है डबल स्ट्रैंडेड, वो cytosol में बनता है. और ये इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो cytosol से वो DNA, वायरल DNA उसको पकड़ के माइटो न्यूक्लियस में लेके जाता है, उसको पकड़ के न्यूक्लियस में लेके जाता है. और बाद में क्या करता है कि वो DNA, वायरल DNA और अपना DNA, वायरल DNA और होस्ट DNA उसको फ्यूज करता है, फ्यूजन करता है. सो दिस इंटीग्रेज एंजाइम आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वायरल प्रो वायरल DNA टेक्स द प्रो वायरल DNA फ्रॉम साइटोसोल टू न्यूक्लियस एंड कॉजेस द इंटीग्रेशन ऑफ प्रो वायरल DNA विद द होस्ट सेल. ये क्या करेगा? फ्यूजन करेगा उन दोनों. इट विल इंटीग्रेट द प्रो वायरल DNA इनटू होस्ट DNA. दिस कॉजेस द इन्फेक्शन ऑफ सेल परमानेंटली. अगर एक बार वायरल DNA आपके DNA के साथ में इंटीग्रेट हो गया, वो सेल का इन्फेक्शन परमानेंटली होता है. Inhibition of this enzyme, inhibition of the enzyme or interruption of this enzyme is an important target for antiviral drug. So, ये enzyme भी target है. That's why integrase inhibitor. So they inhibit the enzyme integrase and prevent the integration of viral DNA into host DNA. Okay? So इसमें आता है Raltegravir. Okay? Raltegravir, sorry, not Rata. Raltegravir. Okay? Raltegravir. Raltegravir is the first integrase inhibitor available for the treatment of HIV. HIV-1 and HIV-2. It prevents the host DNA and viral DNA to be integrated, to be mixed, and therefore stop the viral cycle. Okay. Repeatedly clears the HIV RNA from circulation and increases the CD4 cell count. It forms a complex with the magnesium calcium, and that's why antacids and milk products should be avoided. Then, dusra drug aata hai usme. Usme dusra drug hai dolutegravir. Raltegravir and dolutegravir. So second generation integrase inhibitor useful in the Raltegravir resistance, usually in the combination with the two drug of non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor. Other properties are similar to Raltegravir. Raltegravir. Tegravir जो है वो integrase inhibitor है. मैंने कल के लेक्चर में बोला है, आपको याद कैसे रखना है कौन कौन है, कल के लेक्चर में बोला है मैं, और एक बार बोलूंगा आज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट ड्रग इज एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर. ये एंट्री और फ्यूजन इनहिबिटर, फ्यूजन इनहिबिटर कौन है? एनफुवायराटाइड सिंथेटिक पेप्टाइड फ्रॉम एचआईवी सेलेक्टिवली बाइंड्स टू एचआईवी1 एनवलप ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन. तो एनफुवायराटाइड क्या है? ये ड्रग जो है वो फ्यूजन होने नहीं देगा, वो वायरस का फ्यूजन होने नहीं देगा सेल को. ओके, सिंथेटिक क्या होता है? वायरस का एक प्रोटीन होता है सेल, ओके, दैट इज नोन एज एचआईवी1 एनवलप ट्रांसमेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन GP41. उसको ये बाइंड करता है. नाउ दिस प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द फ्यूजन ऑफ वायरल पार्टिकल टू द सेलुलर मेम्ब्रेन, देयरफॉर दिस ड्रग बाइंड्स टू दैट प्रोटीन एंड प्रिवेंट द अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द सेल मेम्ब्रेन. नो क्रॉस रेजिस्टेंस टू द अदर क्लास ऑफ ड्रग हैज बीन रिपोर्टेड विद दिस ड्रग. एडवर्स रिएक्शन क्या है? ये थोड़ा सा जहाँ पे इंजेक्शन दिया है वहाँ पे क्या करेगा? पेन करेगा और नोडुल फॉर्म करेगा. नाउ नेक्स्ट टारगेट इज CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर. जो CCR5 रिसेप्टर होते हैं, जो प्रोटीन होता है, किसके ऊपर होता है? सेल के ऊपर होता है, होस्ट सेल जो है उसके ऊपर होता है. सो केमोकाइन रिसेप्टर मोस्ट HIV आर द CCR5 ट्रॉपिक, मतलब मोस्ट ऑफ द HIV वायरस जो है वो क्या करते हैं, ये CCR5 जो रिसेप्टर होता है, केमोकाइन रिसेप्टर अपने सेल के ऊपर, उसके ऊपर ही जाके बाइंड होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द HIV आर CCR5 ट्रॉपिक. Is a globular glycoprotein GP120 of the HIV envelope that anchors to a CD4 site of host cell by binding to a cell membrane. Okay, receptor. मतलब क्या? ये CCR
CCR5 that is chemokine receptor जो होते हो वो होस्ट सेल के ऊपर होते हैं, अपने सेल के ऊपर होते हैं, और जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 GP120 होता है वायरस का, ग्लाइकोप्रोटीन 120 वो एंकर करता है, मतलब वो प्रमोट करता है बाइंडिंग किसको, केमोकाइन रिसेप्टर को। जब केमोकाइन रिसेप्टर को वायरस बाइंडिंग होगा तब वो अंदर लेके जाएगा उसको, ठीक है। सो दिस ग्लोबुलर ग्लाइकोप्रोटीन GP120 ऑफ वायरस ओके विल एंकर द CD4 सेल, CD4 साइट ऑफ होस्ट सेल दैट इज अ CCR5 एंड दिस बाद में उसका बाइंडिंग ओके पेनिट्रेशन हो जाएगा। दिस ड्रग मिरावायरॉक, माय डियर स्टूडेंट वेलकम। सो CCR4 CCR5 रिसेप्टर इनहिबिटर, तो ये केमोकाइन रिसेप्टर इनहिबिटर होता है मिरावायरॉक, ये ड्रग जो है मिरावायरॉक इज अ नोवेल एंटी एचआईवी ड्रग व्हिच टारगेट्स होस्ट सेल CCR5 रिसेप्टर एंड ब्लॉक्स इट एंड देयरफॉर प्रिवेंट द एंट्री ऑफ वायरस एंड फर्दर इंटीग्रेशन स्टेप्स ऑफ वायरस इन द सेल। द ड्रग decreases the HIV RNA load and improves the CD4 count. Now next is nothing but a simple table है यहाँ पे हर एक drug का adverse effect, okay? Adverse effect of nucleoside reverse transcriptase inhibitor. तो zidovudine का adverse effect क्या है? Zidovudine का myelosuppression, insomnia, nausea, headache. Diadenosine का adverse effect pancreatitis, peripheral neuropathy, diarrhea and hyperuremia. Stavudine का adverse effect क्या है? Peripheral neuropathy and stomatitis. तो ये नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर जो है उसके एग्जांपल प्लस उसका एडवर्स इफेक्ट, क्योंकि बाकी तो मैकेनिज्म तो सेम ही है। सो ज़िडोवुडिन, डायडिनोसिन, देन स्टावुडिन, ओके ज़िडोवुडिन का माइलोसप्रेशन मसल को स्ट्रेंथ कम कर देगा आपका, इंसोम्निया, नोशिया, हेडेक। डायडिनोसिन का क्या है? पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाइड का इन्फेक्शन करेगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायरिया एंड हाइपरयूरेसिमिया, यूरिक एसिड लेवल बढ़ा देगा। स्टावुडिन क्या करेगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड स्टोमेटाइटिस। ज़ालसिटाबिन, ज़ालसिटाबिन क्या करेगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस। लैमिवुडिन, लैमिवुडिन क्या करेगा? हेडेक एंड नोशिया। अबकाविर क्या करेगा? हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम, अबकाविर हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम। नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ये जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर। प्रोटीएज इनहिबिटर क्या है? प्रोटीएज इनहिबिटर में क्या आता है आपका? सेक्विनाविर, ओके उसका एडवर्स इफेक्ट जीआईटी रिस्पॉन्सेस, देन रेटोनाविर, रेटोनाविर उसका एडवर्स इफेक्ट है जीआईटी डिस्टर्बेंसेस, टेस्ट परवर्जन, परवर्जन मतलब टेस्ट चेंज होगा, ओरल एंड पेरिफेरल पैराडिशिया, ओके रेज्ड सीरम ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल। देन इंडियनाविर, इंडियनाविर का क्या है? इंडियनाविर का क्रिस्टल यूरिया, नेफ्रोलिथियासिस मतलब एक किडनी स्टोन करेगा, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स दे आर एडवाइस्ड, एलोपेसिया टकला बना देगा आपको, ठीक है, ड्राई स्किन, GIT disturbances, raised serum bilirubin. Then nelpinavir का क्या है? Diarrhea, raised glucose level and lipid. Amprinavir का क्या है? GIT disturbances, rash, increased blood glucose level. Lopinavir क्या है? GIT disturbances, raised serum lipid. मतलब ये sequinavir, ritonavir, indinavir, nelpinavir, amprinavir, lopinavir, these are the protease inhibitor. क्या है? Protease inhibitor है. Sequinavir was the first protease inhibitor. Zidovudine was the first nucleotide reverse transcriptase inhibitor. और non-nucleotide reverse transcriptase inhibitor अलग है। अभी देखो यहाँ पे medicinal chemistry में क्या important है, बहुत ही बहुत compound important है। तो nucleotide nucleoside analog, पहले आता है purine nucleoside analog, उसमें आता है acyclovir, ganciclovir, mostly used as a drug against the herpes virus or varicella zoster virus. So acyclovir and ganciclovir. तो ए साइक्लोविर का स्ट्रक्चर क्या है? सो इट इज अ पिरिमिडिन एनालॉग, सॉरी इट इज थायमिडिन एनालॉग। ए गोनोसिन का स्ट्रक्चर हो गया ये, और ए साइक्लोविर का स्ट्रक्चर ऐसा है। सेकंड वाला ए साइक्लोविर है, 2 अमीनो 9 * 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल। देखो यहां पे ये 1 ये 9 का 9 आता है, 2 अमीनो 9 * 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल, 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी मिथाइल ये वाला। वन हाइड्रोजेपिरिन, प्यूरिन, ये पूरा बेस प्यूरिन है, 6-1 तो साइक्लोविर। गैनसाइक्लोविर का भी वैसा ही है, गैनसाइक्लोविर में बस वहाँ पे ये जो है 9 पोजीशन पे यहाँ पे डिपेंड है, ठीक है। गैनसाइक्लोविर सिंथेटिक ग्वानिन डेरिवेटिव विद एंटी वायरल एक्टिविटी, गैनसाइक्लोविर क्या है? ग्वानिन डेरिवेटिव। नेक्स्ट इज अ पिरिमिडिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग, सो हाइड्रोक्सोयूरिडिन, ट्राइफ्लुयूरिडिन, हाइड्रोक्सोयूरिडिन, आयोडोक्सीयूरिडिन में क्या रहेगा? आयोडीन रहेगा, ठीक है। ट्राई ट्राई फ्लूरिडिन में क्या रहेगा?
तीन फ्लोरिन रहेगा, ट्राइफ्लू, थ्री फ्लोरिन यूरिडीन। तो ये ओके, सो यहाँ पे उसका नेम, ये आईपीएक नेम लिखा है, फोर हाइड्रोक्सी फाइव हाइड्रोक्सी बिताइल ऑक्सैलान। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, सिंपल है, यूरिडीन भी लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें। बस ट्राइफ्लू यूरिडीन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, तीन फ्लोरिन आइटम है उसमें, हाइड्रोक्सी यूरिडीन का आयोडीन रहेगा उसमें, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग जो है amantadine and rimantadine, structure of amantadine and rimantadine, ये amantadine हो गया, ये rimantadine, और भी उसमें आता है एक दो, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें क्या है, amantan ring होता है, amantan, adamantan, ठीक है, amantadine hydrochloride is one, देखो one adamantan, adamantan ये जो ring है उसको adamantan बोलते हैं, adamantan one is ethan one amine, ethan one amine, ठीक है, एडमेंटम रिंग होता है, रिंग को सदा ही याद रखो। एंटी रिट्रोवायरल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उसमें आता है ज़िडोबुडिन, ज़िडोबुडिन का स्ट्रक्चर ये है, ज़िडोबुडिन, ठीक है, उसमें बाद में ज़ल्टाबिन, ज़ल्सिटाबिन, डायएडिनोसिन एंड लैमोडिन, तो सिमिलर स्ट्रक्चर है उसका, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आईपीएक नेम है अरेका, वो मैं आपको भेज दूंगा एप्लीकेशन में नोट्स, आप देख लो, ज्यादा कुछ पूछेंगे नहीं। डेलावेरिडिन, ये नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है, डेलावेरिडिन, देन लोवारिडिन, ठीक है, बाद में आपका जो है जो प्रोटीज इनहिबिटर होता है, रेटोनावीर, सेक्विनावीर, इंडियनावीर। तो इंडियनावीर का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो रिंग है उसको बोलते हैं इंडियन रिंग, सो इंडियन, ये जो रिंग है इसको बोलते हैं इंडियन रिंग, सो इंडियन रिंग कहाँ पे होता है, इंडियनावीर में। सेक्विनावीर में क्या है, आप याद रखो यहाँ पे सल्फेट रहेगा, सेक्विनावीर में सल्फेट रहेगा, यहाँ पे नेप्थिलीन भी है, और रेटोनावीर, रेटोनावीर में एक दो थायाजोल है, रेटोनावीर में थायाजोल यहाँ पे है, थायाजोल, दो थायाजोल है यहाँ पे, उससे ऐसे बाकी आईपैक नाम नहीं याद रखा तो पीछे बहुत लंबा है। तो अभी क्या है, अभी एक बार आपको ये रिवाइज करता हूँ, ड्रग यूज इन द एचआईवी, एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स, ड्रग यूज इन द एच आई वी, ठीक है। तो कितने कैटेगरी है, पहला कैटेगरी आपका न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, दूसरा कैटेगरी आपका नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, तीसरा कैटेगरी आपका प्रोटीएज इनहिबिटर्स, चौथा कैटेगरी आपका एंट्री इनहिबिटर्स, पांचवा कैटेगरी सीसीआर रिसेप्टर इनहिबिटर, पांच सिक्स नंबर कैटेगरी इंटीग्रेज इनहिबिटर, ठीक है। तो ये कैटेगरीज है, आपको यहाँ पे याद कैसे रखना है क्वेश्चन, क्योंकि इसके ऊपर आता है। पहला कैटेगरी है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, एनआरटीआई, तो उसमें सब जितने भी उडीन्स है, ये उडीन लाइक जीरो उडीन, स्टाउडीन, लैमिउडीन, ओके, ये उडीन, ठीक है, उडीन प्लस, उडीन प्लस, उडीन प्लस टू वीर, अबाकावीर दो वीर है, उडीन प्लस टू वीर, अबाकावीर प्लस टेनोपोवीर, एंड देन एक साइन आता है और एक बाइन आता है, वुडीन प्लस टू वीर प्लस साइन एंड बाइन, ऐसा एक ट्रिक किया करो, वुडीन प्लस मतलब वुडीन प्लस टू वीर प्लस साइन एंड बाइन, मतलब वुडीन मतलब क्या, जीरो वुडीन, लैमे वुडीन, स्टा वुडीन, ठीक है, टू वीर मतलब क्या, आबा का वीर, टेनोपो वीर, ये दो ही है सिर्फ, ठीक है, एंड साइन मतलब क्या, डायएडिनोसिन, एंड बाइन मतलब क्या, एम ट्राइसिटाबिन, ठीक है। ये ऐसा ट्रिक बना के आप याद करो, ये ट्रिक अभी कोई बुक में नहीं है, मैंने बनाया। दो देन आता है आपका नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, उसमें आता है नेविरैपिन, इफावेरिन एंड डेलावेरिडिन, डेलावेरिडिन, वुडीन अलग है, वेरिडिन अलग, वेरिडिन, ठीक है, वेरिडिन है, डेलावेरिडिन, इफावेरिन, इफावेरिन एंड नेविरैपिन, नेविरैपिन, इफावेरिन, डेलावेरिडिन, ठीक है। बाद में आपका आता है प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर में सब वीर है, क्या है, सब वीर, प्रोटीएज इनहिबिटर में क्या है, वीर, से ये देखो नावीर, इसमें क्या है, सब नावीर, सो जितने भी नावीर आएंगे, ठीक है, वो नावीर क्या है, प्रोटीएज इनहिबिटर, जैसे रेटोनावीर, एटोजनावीर, देन इंडियनावीर, नेलफिनावीर, सेफिनावीर, एम्प्रेनावीर, लोपिनावीर, तो सब में क्या है, नावीर है, नावीर, तो ये प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर क्या है, नावीर, नावीर नावीर जो है वो प्रोटीएज इनहिबिटर है, नावीर, सिंपल रावीर, रावीर जो है, रावीर जो है वो है इंटीग्रेज इनहिबिटर, रावीर में जो आएगा रेटेग्लाविर और एक भी है, मैंने बोला था उसको एग्जांपल, रेटेग्लाविर एंड दूसरा ये जो रावीर है, रावीर, आर ए वी आर, रावीर ये जो
रावीर वाले जो है इंटीग्रेस इनहिबिटर है, देन नाविर नाविर वाले जो है प्रोटीज इनहिबिटर है, एंड सिंपल वीर जो है वो क्या है न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो कि नाविर क्या है प्रोटीज इनहिबिटर यानी ए वी आई आर नाविर यानी ए वी आई आर प्रोटीज इनहिबिटर। इंटीग्रेस इनहिबिटर कौन है रावीर आर ए वी आई आर रावीर वाले जो है वो इंटीग्रेस इनहिबिटर है, नाविर वाले जो है प्रोटीज इनहिबिटर है, और जो जो बाकी के वीर है वो वीर क्या है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर से। एक तो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आप ये याद रखो उड़ीन प्लस टू वीर प्लस साइन एंड बाइन, ठीक है उड़ीन प्लस टू वीर प्लस साइन एंड बाइन, तो वो पूरे ड्रग उसमें याद रहेंगे। जैसे मैं ट्रिक के बारे में मैं ज्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं रहता लेकिन फिर भी आपको है तो ले लो। प्रोटीज इनहिबिटर में क्या है नाविर, देन इंटीग्रेस इनहिबिटर में राविर, एंट्री इनहिबिटर में क्या है वायराटाइड, एंट्री इनहिबिटर में क्या है एन फू वायराटाइड। तो नया ड्रग जो भी आएगा उसका ये टाइड रहेगा वायराटाइड उसकी सफिक्स रहेगा, तो ये एंट्री इनहिबिटर हो गए। वायरॉक जो है रॉक वायरॉक मेरा वायरॉक जो है वो सीसीआर5 रिसेप्टर इनहिबिटर। तो सिंपल आया समझ में या?